गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सार्थक हिंदी व्याकरण क्लास फिफ्थ पार्ट वन, बिन भाषा संसार अधूरा, भाषा लिपि एवं व्याकरण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भाषा लिपि एवं व्याकरण के बारे में। हम क्या क्या जानेंगे? भाषा, भाषा के रूप और कौशल, बोली, लिपि और व्याकरण, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाएं जो कि हमें मिली हुई हैं, कौन कौन सी भाषाएं हम बोलते हैं, कौन कौन सी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस एंड तथा विश्व हिंदी दिवस के बारे में। ओके, सो चले पाठ की ओर। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि किन चित्रों द्वारा भाव या विचार पूरी तरह प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ कुछ संकेत दिए हुए, संकेत के माध्यम से हम जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होता है। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान करने के साधन भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपने विचार, अपने भावों को आपस में शेयर करते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं, उस साधन को भाषा कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा वह साधन है कि जिसके द्वारा हम अपनी बातों को सामने वालों, हम किसी को सुन सकते हैं, भाषा के थ्रू हम अपनी बातों को बोल सकते हैं, हम उनको कुछ भी समझा सकते हैं बोलकर लिखकर। तो ये सभी आपके भाषा के साधन हैं। भाषा की विशेषताएं, तो भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? भाषा का संबंध ध्वनि से होता है। ध्वनि जो होता है कि हमारे जो मुख से निकली जाती है, लेकिन हर ध्वनि भाषा नहीं होती है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। संसार में मनुष्य ही भाषा का प्रयोग कर पाता है, क्योंकि कोई और आप देखोगे लाइक जैसे जानवर जो होते हैं, पक्षी होते हैं, तो वो भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा के रूप, बच्चों भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक होती है जो कि हम बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और लिखित होती है जो कि हम लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के कौशल होते हैं, भाषा के मौखिक रूप का संबंध सुनने व बोलने से है, तथा लिखित रूप का जो होता है वो लिखने से होता है। इस प्रकार भाषा के चार कौशल हैं। इसमें आते हैं आपके सुनना, जब हम किसी को सुनते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये सभी आपके मौखिक भाषा और लिखित भाषा के कौशल हैं। बच्चों, हमारी तीन भाषाएं होती हैं, मातृभाषा, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा। मातृभाषा होती है जो कि हम सबसे पहले अपने माता पिता से सुनकर बड़े होते हैं, बचपन से सीखते हैं, वो होती है हमारी मातृभाषा, जैसे हिंदी, तमिल, पंजाबी, मराठी, बंगाली। फिर आती है हमारी राजभाषा। राजभाषा हमारी होती है जो कि हम देश के राजकीय कामकाज तथा कार्यालयों के काम के लिए राज्य द्वारा स्वीकृत भाषा होती है, उसको राजभाषा कहते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। फिर आती है आपकी राष्ट्रभाषा, किसी देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली या प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहता है, जो कि हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, वो होती है हमारी राष्ट्रभाषा, जो कि हमें संविधान से मिली हुई होती है। बच्चों, हमारे संविधान में हमें 22 भाषाएं दी हुई हैं, यानी कि 22 भाषाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। उन 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी, संस्कृत, असमिया, उर्दू, ओड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयाली, मैथिली, सिंधी, संथाली। तो ये 22 भाषाएं जिनको सिर्फ अभी तक मान्यता प्रदान की गई है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा की मान्यता दी गई थी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस पता है ना आपको, 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमें मान्यता मिली हुई थी राजभाषा के रूप में। तथा बड़े गर्व की बात है कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद है लिपि से पहले है बोली। तो हम पहले बोली के बारे में पढ़ते हैं। बोली क्या होता है? कुछ छोटे क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। बोली होती है जो कि कुछ लिमिटेड क्षेत्रों में बोली जाती है, सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका प्रयोग केवल बोलचाल में होता है, जैसे बिजनौरी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी। तो आप देखोगे ये सभी जगह यूज़ नहीं की जाती है, ये सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद लिपि, लिपि क्या होता है? आपने पढ़ा है कि हमारे भारतीय नोट पर 17 भाषाओं में मूल्य लिखा हुआ है। उन सभी भाषाओं को हम उनके लिखने के ढंग से पहचानते हैं। तो किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, कि किस तरीके से उसको लिखा जाता है, वही हमारी लिपि कहलाती है। यानी कि भाषाओं को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है।
यहाँ आपको कुछ भाषाएं दी हुई हैं और उनकी लिपि दी हुई है। चलिए हम पढ़ते हैं क्या होता है। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी, उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़ की कन्नड़ होती है, बांग्ला बांग्ला होती है, तमिल की तमिल ही होती है, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, मराठी, देवनागरी, मणिपुरी, मैथिली, तेलुगु, तेलुगु। तो ये हमारी भाषाएं और इनके यहाँ हमें कुछ लिपियाँ दी हुई हैं। उसके बाद बच्चों व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी कि जब हम भाषा को किसी शुद्ध तरीके से तो उसका जो शुद्ध रूप होता है वह शास्त्र हमारा व्याकरण कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ये लड़का पतंग उड़ा रही है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो जब हम इसको शुद्ध रूप से पढ़ेंगे वही हमारा व्याकरण कहलाता है। मेरे को गोभी पसंद है, तो क्या सही है? नहीं, मुझे गोभी पसंद है, वह मेरा पिता है, तो इसको शुद्ध रूप से जब हम करेंगे तो वही शास्त्र जो होता है वो हमारा व्याकरण कहलाता है। उसकी अशुद्धियों को दूर करके जब हम उसको शुद्ध करके पढ़ते हैं।